नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन फेज़ 11th के बारे में। जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी की तरफ से, उस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, डिटेल में बात करेंगे कितनी फ़ीस है, कब लास्ट डेट है, कब से एग्ज़ाम फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो 6/3/2023 से लगा करके 27/3/2003 तक आपके फॉर्म फिल होंगे, और उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ सॉरी फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप जो है उसको करेक्शन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसकी आपकी विंडो खुलेगी, साइट पर जा करके आपको जो है 3/4/2023 से लगा करके 5/4/2023 के बीच में आपको फॉर्म को सही करना होगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि लगभग सभी जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से ही होंगे, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो स्पेशली पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। तो यही है कि लगभग सभी लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ही होंगे। इस बार क्या हो रहा है, एसएससी में CGL में हम बात करें, CHSL में हम बात करें, या MTS में हम बात करें, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलती कर दी है। और वो गलती क्या है, वो CP को लेकर के गलती है, सेलेबल पॉलिसी को। और उस ऑप्शन को आप ध्यान से भरिएगा, ना तो उसमें कोई वन आर्म वाला उसी ऑप्शन को यस करें, ना ही उसमें कोई लैग बहुत लैग वाला उसमें यस करें। उसमें बोथ आर्म, ब्लाइंडनेस और CP, बस इन तीन को यस करना है, बाकी किसी को नहीं करना। OAL वगैरह किसी को कोई उसमें यस नहीं करना, सिर्फ इन तीन कैटेगरी को उसमें यस करना है। वो आपको नीचे लिखा मिलेगा किसी भी फॉर्म में, 18.1 हो सकता है, 10.1 हो सकता है, इस तरीके से। तो ऐसी गलती अब कोई भी ना करें। शायद आप समझ चुके होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। SSC CGL में तो खास करके सबसे ज़्यादा गलती हुई है, MTS में भी वीडियो कई बार बना चुका हूँ फिर भी लोगों ने काफ़ी गलती करी है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें आप जो है ब्लाइंडनेस, लो विजन, डिसेबिलिटी, OH कैटेगरी के अंदर आप जो है इन सब कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन आप सभी को पता ही होता है, और OBC में 3 साल का, PWD 10 साल का, PWD OBC हैं तो 13 साल, PWD SC ST हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी आगे इसमें बात कर लेते हैं, इसका सिलेबस भी सेम SSC का ही है। जो SSC अपना पैटर्न फॉलो करता है वही इसका सिलेबस है। आपकी इसमें रीजनिंग है 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, GK है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, आपका मैथ है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 0.50 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगी, वो आपका पोस्ट वाइज है, जितनी जो भी पोस्ट होगी उसके हिसाब से। इसमें आपकी तीन तरह की पोस्ट हैं, एक आपका जो MTS जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल 10th बेस पर, एक आपका CHSL जो होता है उसी का इसमें है 12th बेस पर, और एक CGL होता है, वो तीनों इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट पर। तो वो सारी वैकेंसीज इसमें हैं, तीनों की कंबाइंड वैकेंसीज होती हैं। तो इसमें आपका 10th बेस, अगर आपकी 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, तीनों के फॉर्म आप अलग अलग भर सकते हैं। सिलेबस सेम वही है सब, 10+2 का सिलेबस भी वही है जो आपको होता है CHSL का। फीस की बात करें तो फीस भी आपकी इसमें सेम आपकी वही है जो SSC की हमेशा होती है, 100 रुपये जनरल के लिए, और PWD के लिए 0 फीस होती है। आपकी मिनिमम कैटेगरी का जो है आपका इसमें 30%, 25% अदर कैटेगरी यानी PWD 20%। ये आपका सब फॉर्म फिलअप करने का क्राइटेरिया दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, फ़ोटो और सिग्नेचर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। फ़ोटो और सिग्नेचर आप बिल्कुल ध्यान से देख करके फिल कीजिएगा। कोई भी फ़ोटो आप चश्मा लगा करके ना लगाइएगा, ठीक है, कैसा भी आप चश्मा लगाते हो चश्मा उतार करके देखिए। ये रहा, इस तरीके के SSC हर बार कहता है कि आपको इनमें से
ये सिर्फ अलाउड है, ना ये इस तरीके का आपका जो है फर्स्ट अलाउड है, बाकी ये अलाउड नहीं है, आपका ये अलाउड नहीं है, ठीक है। दोनों प्रॉपर आपके ईयर कान दिखे होने चाहिए, कोई फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, फ़ोटो पे कोई भी उल्टा फ़ोटो या फिर इस तरीके का चश्मा, लेकिन ये नॉर्मल चश्मा जो है वो लगाया हुआ है विद स्पेक्टिकल्स, तो इस तरीके का जो चश्मा है वो भी आपको नहीं लगाना है, यानी कि आप पढ़ते टाइम यूज़ करते होंगे जिस चश्मे को, आप सोचते होंगे कि ये तो मेरा परमानेंट है, इसमें कुछ नहीं होगा, उसको भी आप मत लगाइएगा, रिजेक्ट हो जाएगा फ़ोटो को भी। कैप वगैरह से आप बिल्कुल नॉर्मली जो है आप वो बस फ़ोटो लगाइएगा, और किसी भी तरीके का कोई आप फ़ोटो ना लगाइएगा। ये वैकेंसीज दी हुई हैं, देखिए ये इधर जो है, ये इधर आपका लिखा हुआ है रीज़न, कौन सा रीज़न में है, पोस्ट नेम, पोस्ट नंबर है, पोस्ट नेम है, डिपार्टमेंट है, एज है, पे स्केल है, कित कौन से लेवल की है, ग्रेजुएशन है, यहाँ पर इस तरीके से ये सब ग्रेजुएशन 10+2, तो ये इधर वैकेंसीज हैं, ये VH, ये वैकेंसीज हैं PWD की, OH, HH, VH, अदर्स, और ये EWS है, और ये टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए नीचे बात कर लेते हैं हम, देखिए इसमें सभी तरह की वैकेंसीज़ हैं, इसका आप नोटिफिकेशन साइट पर से जा करके अपलोड कर लीजिएगा, वहाँ इन वैकेंसीज़ को अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर आपकी, देखिए ये आपकी यहाँ HH की थी, ये OH की थी, ये अदर की थी, ये आपकी शायद VI की थी, ऊपर देखना पड़ेगा जा करके, और ये आपकी HH की वैकेंसीज़ थी, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। चलिए बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसीज़ के बारे में, तो OH, HH, VH और अदर्स, इस तरीके से वैकेंसीज़ हैं, OH, HH और VH और अदर्स। ये देखिए OH है आपकी, OH की 56 है, HH की 43, VH की 16 और अदर PWD यानी MD कैटेगरी की आपकी 16 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसीज़ आपकी दी हुई हैं, 56 वैकेंसीज़ हैं, और इसमें से आपकी ये 10th बेस पर है, 12th बेस पर है, ग्रेजुएशन बेस पर है, तीनों हैं। अगर मान लीजिए आपको तीन पोस्ट, इसमें ना आपके पोस्ट वाइज फॉर्म फिलअप होंगे, जैसे आपने तीन फॉर्म भर दिए तो 3 दिन आपका पेपर होगा, 10th बेस का अलग होगा, 12th का अलग होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा, तीनों के एग्ज़ाम अलग अलग होंगे, और पोस्ट भी आपको एक इसमें चूज़ करनी पड़ेगी, काफ़ी पोस्टों में इसमें एक्सपीरियंस भी आता था पहले, इस बार भी होगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म को अच्छे से भरिएगा और ध्यान से देख करके कोई भी गलती मत कीजिएगा, फ़ोटो सिग्नेचर और आपका CV प्रॉब्लम या किसी भी तरीके की जो भी आपका है वो सही तरीके से आप फॉर्म को भरिएगा देख करके अच्छे से। वैकेंसीज़ ठीक हैं, 56 वैकेंसीज़ हैं, और 56 वैकेंसीज़ में अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा किस वैकेंसी आपके लिए कौन सी अच्छी है, कौन सी आपको ठीक लगती है, किस रीज़न से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। इधर रीज़न भी देख लीजिएगा आपके पास कौन सा रीज़न पड़ता है, आप किधर कौन सी साइड से हैं, तो इधर पहले आप देख सकते हैं, जैसे KKR रीज़न, ये कर्नाटक रीज़न है आपका, ठीक है, तो साउथ रीजन है, जिस भी साइड से आप हैं उस रीजन को देख लीजिएगा वहाँ वैकेंसीज है या नहीं है, उस तरीके से आप अपने नियर बाई ही भरिएगा, ऐसा नहीं है आप वैकेंसीज देख करके दूर का भर दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। हैंडीकैप में तो खास करके सभी लोग वहीं फॉर्म भरते हैं जहाँ वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, तो मान लीजिए यहाँ किसी में अगर आपको ऐसा दिखा कि यार जैसे मान करके चलिएगा यहीं पर किसी वैकेंसीज में, जैसे यहाँ तीन तीन वैकेंसीज हैं, आपको लगा कि तीन वैकेंसीज यही हैं सबसे ज़्यादा, कहीं एक वैकेंसीज आपको दिखती है, तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, आप वैकेंसीज़ को देख करके फॉर्म फिल मत कीजिएगा अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक आपने काफ़ी एग्जाम में देख लिया होगा, जैसे रेलवे ग्रुप डी का मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल, रेलवे का खास करके मैं एग्जाम्पल बता दूँ, रेलवे में कंपटीशन वहीं ज़्यादा है, वहीं कट ऑफ ज़्यादा गई जहाँ आपके वैकेंसीज ज़्यादा थी, कोई भी पेपर आप उठा करके देख लीजिएगा, चाहे NTPC का उठा करके देख लीजिए, चाहे ग्रुप डी का उठा करके देख लीजिएगा, आपकी दिल्ली जोन को देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा फॉर्म थे, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी थी, तो वैकेंसीज़ का क्या फ़ायदा हुआ वहाँ, जहाँ वैकेंसीज़ कम थी, जहाँ एक एक वैकेंसी थी, दो दो वैकेंसी थी, वहाँ आपकी 40-40 पे नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा कभी भी कि वैकेंसीज़ देख करके, आप बस नियर बाई अपने नज़दीक पोस्ट मिल जाए, अगर वैकेंसीज़ वहाँ एक या दो है, मान लीजिए टोटल वैकेंसीज़ किसी एग्ज़ाम में 10 वैकेंसीज़ हैं और आपके वहाँ एक भी वैकेंसी आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसमें आप अपने वहाँ का ही भरिएगा, आपको नज़दीक जॉब मिलेगी, दूर जा करके आप फिर बाद में भी दिक्कत होगी,
तो और वैकेंसी जहाँ ज़्यादा होंगी फॉर्म वहाँ ज़्यादा चले जाते हैं, तो इसलिए मत सोचिएगा कि यहाँ पर एक ही वैकेंसीज़ हैं। तो वैकेंसीज़ का ज़्यादा ना देख करके आप अपने नज़दीकी इसमें जो भी आप पोस्ट है वो भर लीजिएगा, और बाकी आप अपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। धन्यवाद।